thank mm -hmm. you

अगर आपने मेरे लास्ट टू सेशन अटेंड किए हैं तो एक पहला वाला सेशन था मेरा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा वाला सेशन था सेक्शन वन सिक्सटी वन तो उसमें मैंने आपको बताया था किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करने से पहले तीन प्री रिक्वेजिट्स होते हैं राइट अभी अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके बताओ वरना प्लीज इफ यू आरूडेंट ऑफ सी एस सी एस सी ए और ये सेक्शन आपके पास हैं तो ये आपको पता होना ही चाहिए कि किसी भी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से पहले प्री रिक्वेजिट्स प्री रिक्विजिट होते हैं मतलब कोई भी चीज करने से पहले के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होते हैं जस्ट सेकेंड ये तीन प्री रिक्विजिट्स हैं जो पहला है डेन बिल्कुल डायरेक्टर के पास डिन होना चाहिए अगर वो न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो वो स्पाइस प्लस से मैक्सिमम थ्री डेंस ले सकता है या अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनी में जा रहा है यानी कि अगर वो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में जा रहा है तो वो स्पाइस प्लस से मैक्सिमम टू मैक्सिम जो है थ्री डेंस तक अप्लाई कर सकता है लेकिन अगर वो एक यू नो एग्जिस्टिंग कंपनी में जा रहा है तो उसे डी आई आर थ्री अप्लाई करना पड़ेगा फॉर डिन

प्लस क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि क्वालिफाई करना ठीक है क्या क्राइटेरिया है भाई क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है जिससे आप क्वालिफाई कर जाते हो किसी पोस्ट के लिए किसी जगह के लिए डिसक्लिफिकेशन का मतलब हुआ कि जो चीजें करने से आप क्वालिफाई नहीं करते तो ये सारी बातें जो हम आज डिस्कस करेंगे वो हम डील करेंगे उन चीजों के बारे में जो कि अगर डायरेक्टर से रिलेटेड है किसी भी पर्सन से ही विल बिकम डिसक्वालिफाइड और फिर इसका इंपैक्ट फर्दर सेक्शन 167 पे भी पड़ता है विच इज वेकेशन ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा नेक्स्ट सेशन ठीक है इसके बाद जो भी सेशन होगा वो होगा सेक्शन वन

आईडी है आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या सी एस जसप्रीत धनजल अन अकेडमी पे जो ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं राइट इट इज कम्प्लीटली अप टू यू तो ये चीज आप कर सकते हैं इट विल हेल्प यू आउट राइट ये पहली बात मुझे आपसे जो कहनी थी दूसरी बात तो इसको लेके कोई भी डाउट होगा तो मुझे बता देना दूसरी बात प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत क्या करो बिकॉज uh, जितना आप लाइक करोगे उतनी वीडियो रेकमेंड होती है और बाकी बच्चों तक पहुंचेगी सो प्लीज एंड डू अप्रीशिएटेड कि आप अगर कोई और यू you नो know, तरीका चाहते हो ऑफ स्टार्डिंग या कोई और एड ऑन सजेशन देना चाहते हो एंड ऑल्सो एनी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक जॉब चाहते हो मैं डेफिनेटली उसके लिए वीडियो शूट करूंगी तो स्टार्ट करते हैं डिस्कालिफिकेशन से अच्छा डिसक्वालिफिकेशन में ना अगेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ अब मैं आई एम दैट काइंड ऑफ अ टीचर मैं हमेशा या मुझे लगता है मोस्टली टीचर्स ये बात बताते हैं कि सारे सेक्शन लर्न मत करो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए हम भी ये चीज़ समझते हैं कि 400 के 400 सौ सेक्शंस तो लर्न कर नहीं सकते बच्चे तो हम ये चीज बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस लर्न कर लो और मैं ये भी कहती हूँ कि भाई अगर आपसे सब सेक्शंस लर्न नहीं भी होते कोई बात नहीं गो फॉर द इम्पोर्टेंट सेक्शंस लेकिन इस सेक्शन में ना मैं आपको बताती हूँ इसमें दो ही है, 164 के दो ही है, 164, 1, 164, इसमें लर्न करना थोड़ा सा है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें सिर्फ का मैंशन होता है तो उस टाइम पे आप हो जाओगे थोड़ा सा कंफ्यूज लेकिन लर्न करना इसको बहुत आसान है देखो वन सिक्सटी फोर डील करता है हमारा डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि ऐसी कंडीशन या ऐसा कुछ एक्ट या कमीशन हो जाना जिसकी वजह से डायरेक्टर डिस्कॉलीफाई हो जाए तो इसके जो दो सबसेक्शन है वो कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ so, पर्सन में है या जो कमियां डायरेक्टर में है लाइक like कि डायरेक्टर जी अनसाउंड माइंड का है डायरेक्टर इंसॉल्वेंट है डायरेक्टर ने ऑफेंस किया मतलब ये पर्सन ने ऑफेंस किया इस पर्सन में कमियां है इसीलिए डिस्कॉलीफाइड है ऑन द अदर हैंड सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 डील करता है उस कंपनी से जिस कंपनी का वो डायरेक्टर कि भाई कंपनी ने इतने सालों की फाइनेंशियल रिटर्न नहीं भरी एनुअल रिटर्न नहीं भरी इसीलिए ये पर्सन जो है डिसक्वालिफाई हो गया मैं क्यों कह रही हूं ये लर्न करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इसके बाद आप सेक्शन 167 वेकेशन का पढ़ोगे ना तो वहां पे कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली लिख देते हैं कि वन सिक्सटी पे ये एप्लीकेबल नहीं होता ये वन सिक्सटी पे एप्लीकेबल होता तो वहां पर जाके ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो राइट right? और इसको लर्न करने का बहुत ही सिंपल तरीका है पढ़ेंगे तो हम इसके बाद ही लेकिन आपको इनिशियली ये चीज पता नीचे ये कि जहां 164 जो है वो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से डील करता है इसके अंडर दो सब सेक्शन है पहला सब सेक्शन होता है कि भाई इस बंदे में कमियां है इस डायरेक्टर में कमी है इस पर्सन ने कोई गलती की है राइट तभी ये जो है ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गया लेकिन 164 2 कहता है कि कमी जो है या कोई मैं बोलूंगी डिफॉल्ट जो किया वो किया कंपनी ने अब आप बोलोगे कि भाई कंपनी ने डिफॉल्ट किया मैम तो आपने पर्सन को लाइबल क्यों कर लिया देखो हम ये तो कहते हैं कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है नो डाउट इन इट लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कंपनी अपना काम करती है काम तो मैनेजमेंट ही कर रही है ना काम तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर रहे हैं

सबसेक्शन को आप जरूर जरूर लर्न कर लो राइट चलो मूविंग फॉर्दर तो 164 वन में क्या क्या चीजें आती हैं अगर डायरेक्टर इन सारी चीजों में फॉल करता है तो वो हो जाएगा डिस्कालीफाई जैसे कि मैंने आपको बोला ये डील करता है पर्सन से

सही एक्ट कर पाए तो उस पर्सन के एक्ट पे या कॉन्ट्रैक्ट पे हम भरोसा नहीं कर सकते इसीलिए हम उसको फिट नहीं समझते तो फर्स्ट है ये लेकिन ऐसे नहीं है कि बस हाँ भाई किसी ने भी बोल दिया कि ये तो अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो आपने मान लिया नहीं उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन चाहिए होगा कंपिटेंट कोर्ट का अगर किसी कंपिटेंट कोर्ट ने उसे ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई दिस पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड तब वो डिस्कालीफाई हो जाएगा सेकेंड ही इज एन अनडिस्चार्ज इन सोल्वे है, है? है है? का 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 क्या मतलब होता है? Insolvent का मतलब मतलब होता होता ये कि देखो, insolvent का मतलब तो अब समझ गए, ठीक जिसको बोलते हैं, जिसका दिवालिया निकल गया या इंस्टॉलमेंट हो गया भाई इसको इसके पास इसने डेट्स ले रखे हैं लोगों से कर्जे ले रखे हैं लोन्स ले रखे हैं, ये रिपे नहीं कर पा रहा, ठीक है तो कोर्ट क्या कहता है कि भाई तुम रिपे नहीं कर पा रहे हो तो जब तक ये पर्सन अपने सारे के सारे डेट्स को डिस्चार्ज नहीं कर देता यानी कि रीपे नहीं कर देता तब तक की किस पोजीशन में रहता है -insolvent. क्योंकि वो पर्सन होता है जो लोन ले लेता है कर्जे ले लेता है बाद में वापस नहीं कर पाता कि जी मैं तो इंसॉलमेंट हो गया मैं तो आपको दे नहीं सकता हूं सो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब तक वो इंस्टॉलमेंट डेट्स को रीपे नहीं कर देता डिस्चार्ज नहीं कर सकता देता तो तब तक वो रहता है अनडिस्चार्ज इन सॉलमेंट राइट

नी ऑफेंस कन्विक्टेड का मतलब होता है सजा दे देना ठीक है सबसे पहले हम कहते हैं ना कन्विक्शन कन्विक्शन होता है किसी को सजा हो जानी बेसिकली जब कोर्ट अपना डिसीजन सुना देता है और डिसीजन में उस पर्सन को कन्विक्ट कर देता है सजा दे देता है उसे हम कहते हैं कन्विक्शन जिसमें बहुत सारी क्राइम्स आते हैं जो मॉरली जिन्हें गलत समझा जाता है जिसमें फॉर्जरी भी आता है जिसमें यूनो रॉबरी भी आता है तो कोई भी ऐसी चीज जो मॉरली गलत है और अदरवाइज मतलब कोई भी क्राइम एंड सेंटेंसड अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको कितनी जेल हुई होनी चाहिए कि वो डिसक्वालिफाई हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस दे सिक्स मंथ्स तो कितनी सिक्स uh, मंथस से ज्यादा की ही पनिशमेंट होनी चाहिए उससे कम होगी तो फिर वो डिसक्वालिफाई नहीं होगा

जरूरी नहीं कि उसकी कन्विक्शन हो ठीक है अक्यूज हो सकता है कि वो उसके खिलाफ कुछ सबूत ही ना हो तो वो पकड़ा ही ना जाए मतलब इस पर्सन को सजा हुई थी किस टाइप का ऑफेंस होना चाहिए दे से वैसे तो कोई भी हो सकता है मेनली उन्होंने बोला एनीथिंग इज रॉन्ग और अदरवाइज अदरवाइज मतलब उसने सारे ही ले लिए मोरललेस कितनी कन्विक्शन होनी चाहिए मतलब जो इम्प्रिजनमेंट है कन्विक्शन में भी इम्प्रेजनमेंट होती है ना इंप्रिजनमेंट है दैट शुड नॉट बी लेस देन यानी कि या उससे ज्यादा की ही कन्विक्शन होनी चाहिए सिक्स मंथ या उससे ज्यादा की ही इंप्रेजनमेंट होनी चाहिए या उससे ज्यादा की ही होनी चाहिए अब आगे सुनो सिक्स मंथस की इंप्रेजनमेंट है ओके okay. कितना टाइम पीरियड इलैप्स हो चुका होना चाहिए अब ये नहीं है कि उसको सजा हुई है तो वो पूरी जिंदगी के लिए डिस्कालीफाई हो गया फाइव इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस अब मैं हमेशा एक चीज बच्चों को बोलती हूं कि कंपनी लॉ में ना बहुत जगह पे आप पढ़ते हो फाइव डेज थर्टी डेज फाइव ईयर सिक्स मंथ फ्रॉम फ्रॉम लेकिन बच्चे क्या कहते हैं अच्छा थर्टी डेज लिख दिए फाइव ईयर लिख दिए कब से कब से जब से सजा शुरू हुई तब से नहीं जब सजा खत्म हो गई तब तो इसमें दो चीजें हैं जिसका आपको बेशक मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ऑफेंस में जो है कन्विक्शन होनी चाहिए जो कन्विक्शन होनी चाहिए उसमें इम्प्रेजनमेंट कितनी होनी चाहिए जो कन्विक्शन होनी चाहिए उसमें इम्प्रिजनमेंट का जो टाइम पीरियड है वो होना चाहिए नॉट लेस देन सिक्स मंथ्स नॉट लेस देन सिक्स मंथ्स यानी कि सिक्स मंथ्स या उससे ज्यादा का ही इम्प्रिजनमेंट या उसका जेल का पीरियड होना चाहिए अब जब ये सेंटेंस खत्म होता है ठीक है उस दिन से लेके फाइव ईयर्स शुड नॉट है अगर फाइव ईयर इलेप्स हो जाएंगे फाइव ईयर्स खत्म हो जाएंगे तो उसका मतलब ये है उसकी उस पर्सन की डिस्कॉलीफिकेशन भी खत्म हो जाती है मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स था

31 जुलाई 2022 को उसकी पनिशमेंट जो है वो हो गई फिनिश क्योंकि सेवन मंथ्स हो गए पूरे राइट इज दैट क्लियर अब उसकी एप्लीकेबिलिटी कब से बनती है कब से उसकी डिस्कालिफिकेशन खत्म होगी इस दिन से लेके फाइव इयर्स, यानी कि टिल थर्टी जुलाई एडिंग फाइव टू इट 2027 2027 के बाद उसकी जो डिस्क्वालीफिकेशन है वो हट जाएगी अंडर सेक्शन 164 और वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा 31 जुलाई 2027 तक वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता बिकॉज़ ही हैज बीन डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164 आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा राइट right? तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है बहुत छोटी छोटी चीजें फाइव ईयर फ्रॉम अगर आपने ये चीज देखा ही नहीं कि भाई किस दिन से फाइव ईयर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस दिन से फाइव ईयर के इस दिन से फाइव ईयर नहीं फाइव इग्जाम्पल है इससे आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या चीज में बोल रही हूं बिकॉज देखो ये चीजें बहुत जरूरी छोटी छोटी चीजें सबसे पहले जो कन्विक्शन है यानी कि इम्प्रेजनमेंट है दैट शुड बी नॉट लेसन सिक्स मंथ यानी कि सिक्स मंथ या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए सिक्स मंथ या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए राइट्स इलेप्स राइट इलेप्स का मतलब होता है टाइम गैप राइट इलेप्स फाइव इयर्स यानी कि जब उसका सेंटेंस फिनिश हुआ या उसकी प्रेज की टर्म फिनिश हुईड ही रहेगा बड़ी सिंपल चीज है उसको जितनी सजा हुई ना जो लास्ट डे ऑफ सजा है जिस दिन उसकी सजा खत्म होगी बेसिकली उस दिन से लेके फाइव इयर्स तक वो डिसक्वालिफाइड ही रहेगा फाइव इयर्स के बाद वो जो है इस डिस्कालिफिकेशन से निकल जाएगा और फिर से वो डायरेक्टर बन सकता है तो मतलब यहां पे इसके साथ एक और बात वो कहते हैं टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी उसका कोई भी डिस्कॉलिफिकेशन वाला सिस्टम ही नहीं है भाई वो बंदा बन ही नहीं सकता डायरेक्टर देखो डायरेक्टर बनने के लिए क्या है इंटेग्रिटी है स्किल है उससे भी ज्यादा क्या होता है रेप्यूटेशन एथिक्स जो पर्सन आप सोचो सेवन से सेवन uh, इयर्स या सेवन इयर्स से ज्यादा के जेल काट के आया आप खुद सोचो कि उसने कितना बड़ा क्राइम किया होगा एंड आई डोंट थिंक दैट ऐसे लोगों को यू नो डायरेक्टर की पोजीशन पे बिठा देंगे तो कैसे चलेगा ठीक है तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि पहली बात भी इंप्रेजनमेंट uh, जो है वो सिक्स मंथ से ज्यादा की होनी चाहिए सिक्स मंथ से ज्यादा की इम्प्रेजेंट के बाद जिस दिन वो इम्प्रेजनमेंट एक्सपायर करती है उसके फाइव इयर्स तक वो डिस्कालीफाइड रहेगा उसके बाद डिस्कवालिफिकेशन अपने आप हट जाएगी लेकिन अगर एट एनी टाइम ऐसा कोई पर्सन है जिसने ऐसा कुछ क्राइम किया है जिसकी इम्प्रेजनमेंट सेवन ईयर्स या उससे ज्यादा है दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी उसकी एलिजिबिलिटी हम खत्म कर देते हैं उसमें डिस्कालिफिकेशन वाली बात कोई आती ही नहीं है राइट तो ये चीज का आपने बहुत बहुत ध्यान रखना है तो इसी के साथ मूविंग फॉर्दर वेन आई टॉक अबाउट पॉइंट नंबर ई पॉइंट नंबर ई कहता है एन ऑर्डर ऑर्डर हिम मतलब कोई भी पर्टिकुलरली अब यहां पे पहले क्या था सिनारियो से ऐसा हुआ तो डिस्कालीफाई हो गया ऐसा हुआ तो डिस्कालीफाई हो गया इसमें उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर ऑर्डर इस पर्सन को डिस्कॉलीफाई करने का या तो कोर्ट ने पास किया है या तो ट्रिब्यूनल ने पास किया ट्रिब्यूनल हेयर मीन एनसीएल राइट और वो ऑर्डर इन फोर्स है राइट द ऑर्डर इज इन So, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्डर जो कि डिसक्वालिफाई करता है फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर एफ So, F Point says that he has not paid any calls in respect of any shares of the company held by him, whether alone or jointly with others, and six months have elapsed from the last day fixed for the payment of the. कॉल राइट right? अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना एलैब्स मैंडेटरी ये ज्यादातर आप इन्हीं सारी चीज़ों में देखते हो लीगल लैंग्वेज में ही देखते हो इसलिए मैं स्टूडेंट्स से कि मैम हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है इट रियली ड मैटर्स राइट वेन यू आर स्टार्डिंग अगर आपको और आजकल तो देखो अर्लियर आई थिंक वी यूज टू हैव अ डिक्शनरी और समथिंग ऑफ दैट सॉट अब तो फोन सबके पास है गूगल सबके पास है गूगल में उसी वक्त यू नो टाइप करके मीनिंग लिख दो उसी वक्त आपको मिल जाता है मीनिंग राइट right? तो ये है एफ पॉइंट एफ पॉइंट कहता है कि उस बंदे ने कभी भी कोई कॉल नहीं की एनी कॉल ही इज नॉट पेड राइट कि उस बंदे ने उस डायरेक्टर ने कभी भी कोई भी यू नो कॉल पे ही नहीं की किसी भी शेयर पे एक पैसा भी उसने पे नहीं किया किसी भी कॉल्स का किसी भी शेयर पे चाहे अकेले चाहे जॉइंटली और इस बात को भी सिक्स मंथ्स हो चुके हैं तो बेसिकली दे आर गिविंग हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट दे आर कि भाई चलो ठीक है अभी नहीं दिया सो ही हैज नॉट पेड एनी एनी शेयर्स Right, and six months have elapsed. Again, when the word elapsed is used, you will have to see elapsed from when? From the last date which was fixed for payment. Just date, say, यू नो पेमेंट करनी चाहिए थी उसके भी छह महीने बीत चुके हैं अब बीत चुके हैं यानी कि सिक्स मंथ्स तक वो डिसक्वालिफाइड नहीं रहेगा ठीक है प्लीज कब वो होगा कब होगा ये सारी चीजों को प्लीज दोबारा दोबारा सुन लेना आपको समझ आ जाएगा पहले वाले केस में ऑफेंस वाले केस में हमने क्या बोला था कि उसको सजा हुई उससे कन्विक्शन हुई नॉट लेस देन सिक्स मंथ यानी कि सिक्स मंथ से ज्यादा की उससे इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए और उस इंप्रेजनमेंट के खत्म होने के पांच साल तक वो डिसक्वालिफाइड रहेगा और उसके बाद उसकी डिस्कालिफिकेशन खत्म हो जाएगी राइट यहां पे उल्टा है यहां पे वो कह रहे हैं कि उसने कोई भी कॉल्स अपने शेयर के जो कॉल्स होती हैं, उसके ऊपर एक पैसा नहीं दिया पे ही नहीं किए और छह महीने तक छे महीने तक वो डिस्कालीफाइड नहीं रहेगा छ महीने के बाद वेन सिक्सिकलीव एम दू रीपे कर दो पैसे दे दो पैसे दे दो ऐसा भी नहीं होता कि नहीं दिए पैसे तो अगले दिन हम उसको डिस्कालीफाई कर देंगे सिक्स मंथ फॉर गिवन टू हिम वेन फॉर गुड सिक्स मंथ उसने नहीं दी कॉल्स पे नहीं की देन आफ्टर सिक्स मंथ वेन सिक्स मंथ देन उसकी डिस्वालिफिकेशन जो है वो शुरू होती है दोनों को दोबारा से रीड करना जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो आपको समझ में आएगा ये सेक्शन आपको जितना छोटा लगता है ना उतना ही समझने में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर समझ गए देन नथिंग लाइक दैट राइट उसके बाद आता है ही हैज बीन कन्विक्टेड अगेन सजा मिली है ऑफ द द ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उससे रिलेटेड उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया जिसके चलते उसको कन्विक्शन हुई एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट प्रोसीडिंग फाइव ईयर्स पिछले प्रोसीडिंग का मतलब होता है पिछले सक्सीडिंग का मतलब होता है आगे फर्दर तो so, पिछले सालों में किसी भी टाइम पे उसे पनिशमेंट मिली फॉर एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 188 एटी एट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो वो जो है डिस्कॉलिफिक डिस्कालीफाइड नहीं हुआ अगर पांच साल से पहले हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना एच सेज नॉट कंप्लाइड विद्री ऑफ्टी टू अब सेक्शन और सबसे और आपको नहीं समझ में आता देन आई वु नो टेल यू की आप या तो एक बेयर एक्ट खरीद लो ठीक है ये वाला बेयर एक्ट है जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक पूरी वीडियो भी बनाई थी आपको नहीं पता तो मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगी तो ये आप खरीद सकते हो इट इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सल ब्रांड का है ऑफलाइन भी खरीद सकते हो एमेजोन पे भी मिल जाती है मैं वो लिंक का जो आ, मैं, मैं वो वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी तो so, uh, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन लगेगा कि भाई सेक्शन आ गया सेक्शन में मुझे नहीं आता तो आई सजेस्ट यू कि आप ये वाली जो है बेयर एक्ट खरीद लो वरना तो गूगल कर लो दैट इज द बेस्ट सो सेक्शन 152 दिफ्टी टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड द अंडर सेक्शन फोर सिंपल बात सिंपल वर्ड में बोलू तो so, जिस पर्सन के पास डिन नहीं होगा वो डायरेक्टर नहीं बन सकता विच इज राइट क्योंकि मैंने आपको के शुरू में एक चीज बताई थी कि प्री रिक्विजेड फर्स्ट होता है डेन एंड देन लास्टली ही इफ ही एक्सेप्ट डायरेक्टरशिप एक्सीडिंग द मैक्सिमम नंबर अंडर वन 165 बात करता है है, में directorships की, person की की कि 20 वो ले सकता है, फिर 20 में से 10 ही पब्लिक हो सकती है ये जो 10 है ये पब्लिक होंगी या फिर सब्सिडरी जो कि इवन प्राइवेट कंपनी होगी अगर वो ऐसी कंपनी की सब्सिडरी है तो दैट शुड ऑल्सो बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी तो ये डील करता है वन सिक्सटी फोर सबसेक्शन वन वन सिक्सटी फोर सबसेक्शन वन सबसे पहले कहता है कि वो पर्सन आंसर माइंड का नहीं होना अगर वन सिक्स वन जो है वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट वन सिक्सटी फोर सबसेक्शन वन में टोटल वन सिक्सटी फोर सबसेक्शन वन में अगर आप अभी नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो दैट विल बी द बेस्ट मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ वन सिक्सटी फोर सबसेक्शन वन का ए पार्ट था

moreover from the expiry of his you know expiry of his sentence sentence of imprisonment 5 years have not Been elapsed, कि अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको इसे एक्सप्लेन करूं तो मैं बता देती हूं किसन का कन्विक्शन हुआ कि उसे सजा मिली उसे जेल भेजा गया जो जेल भेजने का टाइम पीरियड जो इंप्रेजनमेंट का टाइम पीरियड है वो सिक्स मंथ या उससे ज्यादा का टाइम पीरियड है अब जो टाइम पीरियड है वो ठीक है अब जितने भी मंच की सजा सिक्स मंथ से ज्यादा सेवन एट नाइन टेन कितने भी मंथ की सजा हो सकती है तो जिस दिन वो सजा कंप्लीट हुई जिस दिन वो सेंटेंस उसकी सजा उसकी इंप्रेजनमेंट का लास्ट डे होगा एक्सपायर होगी होगी खत्म होगी उस दिन से लेके फाइव इयर्स तक वो पर्सन डिसक्वालिफाइड ही रहेगा फाइव इयर्स के बाद ये हट जाएगा और फिर वो दोबारा से क्वालिफाई हो जाएगा राइट right? यहाँ पे फर्दर एक बात आ गई कि उन्होंने बोला कि पहले तो ये सारी चीजें हो गई फर्दर उन्होंने बोला कि अगर किसी भी टाइम पे कोई ऐसा पर्सन है जिसने कोई ऐसा यू नो क्राइम किया है जिसकी कन्विक्शन करने के बाद उसकी जो इम्प्रेजनमेंट है वो सेवन ईयर्स और मोर है ऐसा पर्सन किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड नहीं है वो बन ही नहीं सकता इसमें डिसक्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन की बात आती नहीं है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन हुआ किसी भी क्राइम में और वो जेल काट के आया सेवन इयर्स या उससे ज्यादा की तो उस पॉइंट के ऊपर ये जो पर्सन है ये कभी भी किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता विच इज कंप्लीटली फेयर एनअ राइट ई ने बोला दैट द पर्सन हैज बीन कॉल्ड टू बी डिसक्फाइड बाय ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिसक्शन पास किया कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने और ये ऑर्डर जो है वो इनफोर्स है कभी कभी ऑर्डर के ऊपर स्टे आ जाती है अगर आपने जे आई जी एल में पड़ा होगा तो ऐसा कुछ नहीं है ये ऑर्डर इनफोर्स चल रहा है तो ये ऑर्डर इस तरीके से वैलिड है देन एफसेस किस पर्सन ने ही नॉट पेड एनी कॉल्स ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हेम ऑन द शेयर्स ऑफ द कंपनी पर्टिकुलर कंपनी हेल्ड बाय हेम एंड फ्रॉम दैट सिक्स मंथस हैव इन लैप अब यहां पर उल्टा है यहां पे वो कह रहा है कि भाई कम इसने पैसे नहीं दिए कोई भी कॉल की पेमेंट नहीं की और छह महीने के बाद जो है इसकी डिस्कालिफिकेशन जो है शुरू होगी सिक्स मंथ्स हैव इलेब्स से छह महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी छः महीने तक डिस्कालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगी लेकिन सिक्स मंथ्स के बाद जो है डिस्कॉलीफिकेशन अट्रैक्ट होगी सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट विच वॉज फिक्स टू मेक द पेमेंट विच वॉज फिक्स टू मेक द पेमेंट मैं हमेशा ये चीज बोलती हूं कंपनी लॉ में कि जितना गलत लिखना गलत है उतना ही इनकंप्लीट लिखना भी गलत है अगर आप कंप्लीट नहीं लिखोगे इनकंप्लीट लिख दोगे तो बाद वहीं पर आ जाती है राइट मूविंग फर्दर टू जी जी कहता है दैट दिस पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड For an offense that relates to section 188, yani related party transaction for anything during the last preceding. 5. फाइव इयर्स यानी कि बीते हुए पांच सालों में 188 के अंदर वो कभी भी कन्विक्ट हुआ है तो वो जो है द पर्सन इज ऑल डिस्कालीफाइड अगर पांच साल के पहले की बात हुई फिर वो डिस्कालीफाइड नहीं है देखो इन सब में टाइम का बहुत वैल्यू है ठीक है जी एच एच क्या कहता है दैट ही इज नॉट कम एच सेक्शन 152 फिफ्टी टू सबसेक्शन थ्री का कंप्लायंस नहीं हुआ यानी कि उस पर्सन के पास डिन ही नहीं है तो जिसके पास डिन नहीं है वो डिस्कालीफाइड ही कहलाया जाएगा एंड देन आई सेज And then I says that he is accepting the memberships which are exceeding the directorship Sorry, he is accepting the maximum number of directorships under Section 165. usse zyada accept kare ja raha hai bhai ye to galat baat hai Right, he can't do. So 165 का पूरा का पूरा purpose क्या है कि 165 बताता है कि इतने ही companies में आप director बन सकते हो. अगर आप उससे ज़्यादा accept करोगे, so you will be disqualified. So this is all about section 164 इसमें मेजरली आप देखोगे कि कमियां बंदे में ठीक है 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 जो जो वो unsound mind का है, या वो का या कोई गलती कर दी, या उसने कोई क्राइम कर दिया या वो लेकिन जब हम मूव ऑन करेंगे 164, sub -section 2 में उसमें दो ही है ए और बी यू नो दो ही बातें बताई जाती है जो बहुत ही सिंपल है विच आर दो फोर टू प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन डायरेक्टर फाइनेंशियल इयर्स ईय ऐसी जिसने कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार तीन सालों तक किसी भी लगातार तीन सालों तक ना तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की या फिर ना ही अपनी ना या तो ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की या फिर ना ही एनुअल रिटर्न फाइल की क्योंकि यहां पे वर्ड आ रहा है और तो जरूरी नहीं है कि दोनों दोनों में से कोई एक भी नहीं फाइल करोगे तो भी आप डिस्कालिफिकेशन को अट्रैक्ट करोगे बी सेज और टू रीपे द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट डिपोजिट इंटरेस्ट देयर ऑन रिडीम एनी डिवेंचर्स ऑन द ड्यू डेट और पे इंटरेस्ट देयर ऑन और पे एनी डिविडेंड डिक्लेयर एंड सच फेलियर टू पे और रिडीम कंटिन्यू फॉर वन ईयर और मोर तो सबसे पहली बात आ, आ, मुझे बताना कि अगर आप देखना चाहते हो वीडियो तो रूल लॉ को पढ़ना सीखो ये बियर एक्ट लिखा है तो यहां से लेकर के यहाँ तक पहले तो आपको पूरा पढ़ना है तभी आपको उस बात को जो है समझ आएगी तो, आ, तो सबसे पहले आपको जो है पूरा पढ़ना है ठीक है तो दे से शैल बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और अपॉइंटेड एन अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव इयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड कंपनी फेल्स टू डू सो अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है जैसे जब वो कह रहे हैं कि डिस्कालिफिकेशन होती है एक्चुअली आप जब आगे वेकेशन पढ़ोगे ना 167 तो वो कहता है 164 वन तो जब 164 सिक्सटी फोर सबसेक्शन में जिस टाइम पे डिस्कालिफिकेशन अट्रैक्ट हुई ऑटोमेटिकली वेकेशन अट्रैक्ट हो जाएगा बट यहां पे ऐसा क्यों नहीं है और कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ ध्यान से सुनना सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोली कि क्या चीज होनी चाहिए में कि अगर किसी पर कंपनी ने पहले तो दो डिफॉल्ट आपको पता होने चाहिए सबसे पहले तो कि डिफॉल्ट क्या है क्या किस चीज को हम डिफॉल्ट कहते हैं दैट द कंपनी हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स मतलब दोनों में से कोई भी कोई भी एक नहीं फाइल की तो कंपनी डिस्कालीफाई कर, कर दी जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स थ्री फाइनेंशियल कोई भी थ्री फाइनेंशियल ईयरस के लिए अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो डिस्कालिफिकेशन अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली होता है सेकेंडली उसने चार बातें बोली क्या क्या थी वो चार बातें पहला फेल टू रिपे द डिपोजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन फेल टू रिपे द डिपेंचर एंड इंटरेस्ट देर ऑन एंड डिविडेंड राइट ये सारे इसमें आते हैं कि ये इंटरेस्ट जो नीचे वाली बात कर रहे हैं ना हम इंटरेस्ट की ये इसी से रिलेटेड है मतलब फेल टू रिपे द डिपोजिट जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है डिपॉजिट का एंड इंटरेस्ट देयर ऑन देन फेल टू रीपे द डिवेंचर जो प्रिंसिपल अमाउंट है डिबेंचर का एंड इंटरेस्ट देर ऑन एंड डिविडेंड इन सारों में और ये जो फेलियर है दैट हैज कंटिन्यूड फॉर वन ईयर और मोर ये थ्री इयर्स के लिए है ये है कि ये फेलियर जो इंटरेस्ट uh, ना देने का या रिडम्पशन ना करने का वो एक साल तक चला या फिर एक साल से भी ज्यादा चला इन दोनों सिचुएशन में डिसक्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होती है कैसे होती है वो अभी मैं आपको बताती हूं पहले ये दो सिचुएशन आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि कंपनी ने या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल की या तो एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किए फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ थ्री इयर्स सेकेंडली कंपनी ने फेल हो गया कंपनी रीपे करने के लिए डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट दे रोन या रीपे करने के लिए डिबेंचर्स या इंटरेस्ट दे रोन या फिर डिविडेंड और ये जो यू नो फेलियर है ये चला फॉर ईयर और मोर राइट फर्दर अब इसको पूरा पढ़ना है इसको आपको लिंक करना है इस लाइन के साथ ठीक है क्योंकि ये सारा का सारा पोर्शन है रिलेटेड अब दोबारा पढ़ो सेक्शन 164 सिक्सटी फोर सबसेक्शन टू ऑल्सो प्रोवाइड दैट नो पर्सन ज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच नो पर्सन यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इन दोनों चीजों से रिलेटेड है ऐसी कंपनी में जो कंपनियां ये डिफॉल्ट करती हैं वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता उसी सेम कंपनी में या फिर अपॉइंट नहीं हो सकता किसी और कंपनी में फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स इसमें वैकेशन के थोड़े से सिचुएशन डिफरेंट है वो मैं आपको वेकेशन के सेशन में बताऊंगी अभी आपको इतनी चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए लेट मी रिपीट वंस यहां तक ये दो डिफॉल्ट आपको पता चल गए तभी मैंने आपको बोला जब तक आप ये चीज नहीं सीखोगे कि लॉ को इंटरप्रेट करना कैसे आपको नहीं पता चलेगा सेक्शन वन सिक्सटी फोर सबसेक्शन कहता है दैट नो पर्सन जो कि ऐसी कंपनी में अपॉइंटेड है जिसने दो डिफॉल्ट किए कौन कौन से डिफॉल्ट किए उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स नहीं फाइल की फॉर एनी थ्री कंटिन्यूस यू नो इयर्स या फिर उन्होंने डिफॉल्ट किया इन डिपॉजिट्स या उसके इंटरेस्ट में इन डिबेंचर्स या उसके इंटरेस्ट में या फिर डिविडेंड में और ये जो डिफॉल्ट है ये जो फेलियर है ये वन ईयर और मोर तक चलता रहा दिस नो पर्सन शैल बी एलिजिबल नो सच पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी री अपॉइंटेड इन द सेम कंपनी सेम में रीअपॉइंट होने के लिए या अपॉइंटेड इन एनी अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव इन फ्रॉम द डेट ऑफ फेलियर जिस दिन आपने ये फेलियर अट्रैक्ट किया उसके अगले पांच सालों तक ये डायरेक्टर ना तो इस सेम कंपनी में जब भी मौका मिले तब री अपॉइंट हो सकता है और ना ही किसी और कंपनी में अपॉइंट हो सकता है राइट आई होप की आपको चीज समझ आ गई इसको अकेला नहीं पढ़ना इसको इसके साथ पढ़ना तभी मैंने आपको बोला कि इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपकी इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना तो आप कुछ भी इंटरप्रेट कर पाओगे राइट right? Provided that where a person is appointed as a director of the company which is in default of clause A or B, he shall not incur the disqualification for a period of six months from the date of his appointment. अब अब यहाँ पे ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अब क्या हुआ कि ऐसी कंपनी है, ठीक है? ऐसी कंपनी को अब ठीक करने के लिए उनको डायरेक्टर्स चाहिए। ऐसी कोई कंपनी है, for example, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड एक ऐसी कंपनी है जिसने क्लॉज ए या क्लॉज बी का डिफॉल्ट करके रखा है यानी कि या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो एनुअल रिटर्न तीन साल तक फाइल नहीं की या फिर डिपॉजिट डिबेंचर्स डिविडेंड या इनके जो इंटरेस्ट है राइट right, वो जो है इन्होंने वन ईयर और मोर तक रीपे नहीं किया अब एस, इस इस कंपनी में ये कंपनी चाहती है कि ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो सही से काम नहीं कर रहे तो मिस्टर ए को जो है लाके अपॉइंट कर देते हैं अब मिस्टर ए बोलेगा भाई मैं क्यों अपॉइंट हूं तुम्हारी कंपनी में आपकी कंपनी तो पहले ही डिफॉल्ट को अट्रैक्ट कर रही है ठीक है मैं तुम्हारी कंपनी में आऊंगा मैं भी डिस्कवालीफाई हो जाऊंगा क्या फायदा तो उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है ध्यान से हमारी बात को सुनो जो नया पर्सन अपॉइंट होगा इस पर्सन को वन सिक्सटी का डिस्कालिफिकेशन नहीं अट्रैक्ट होगा टिल सिक्स मंथ्स यानी कि ये पर्सन आएगा थोड़ा बहुत काम करेगा कंपनी का सुधार करेगा सिक्स मंथ्स तक अगर ये भी कुछ नहीं करता है तो फिर इसके ऊपर भी 164 सबसेक्शन टू का जो है डिसक्केशन अट्रैक्ट हो जाएगा इसके पीछे पर्पस बस यही है अगर ऐसा होगा तो कोई भी न्यू पर्सन आके ज्वाइन ही नहीं करेगा ऐसी कंपनी कंपनी राइट हो सकता है कि के जो डायरेक्टर्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं कंपनी 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 नीड्स न्यू एक्सपर्ट पीपल राइट होता है है ना कि बोलती यार ये तो कुछ कर ही नहीं रही है डायरेक्टर्स तो कुछ कर ही नहीं रहे अब क्यों कोई नया डायरेक्टर आप खुद सोचो ना मिस्टर ए बोलेगा भाई तुम तो पहले ही डिफॉल्ट में हो तुम तो डिस्कालिफिकेशन अट्रैक्ट करा रही है तुम्हारी कंपनी तो डायरेक्टर्स को आई वु ज्वाइन तभी एक लॉज आया दैट प्रोवाइडेड दैट

रीअपॉइंटेड अपनी डिस्कालिफिकेशन बताना बहुत जरूरी है डी आई आर एट में कंपनी को फर्दर कंपनी को पता होना चाहिए वेर एवर अंपनी फेल्स टू फाइलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न और फेल्स टू रीपे डिपोजिट इंटरेस्ट डिविडेंट और फेल्स टू रिडीम डिबेंचर्स कंपनी शायल इमीजिएटली फाइल फॉर्म डी आई आर नाइन इमीजिएटली कंपनी को डी आई आर नाइन जो है वो फाइल करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार फर्निशिंग ने यह काम नहीं किया उनका नेम और एड्रेस जो है वो आपको देना पड़ता है रजिस्ट्रार को डी आई आर नाइन में डी आई आर नाइन में वेन कंपनी फेल्स टू फाइल अब डी आई आर नाइन थर्टी डेज ऑफ फेलियर के बीच में अगर नहीं किया दैट वुड अट्रैक्ट द डिस्कालिफिकेशन अंडर वन सिक्सटी फोर नाइन ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइड इन क्लॉज सिक्स टू ऑफ दैल बी दिन डिस्कालीफिकेशन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी अगर डी आई आर नाइन में कंपनी फाइल कर देती है तो कंपनी बच सकती है अपॉन रिसीट ऑफ डी आई आर नाइन रजिस्ट्रार शेल इमीजिएटली रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस इट फॉर फाइलिंग फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन एनी एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन शेल बी मेड इन डी आई आर राइट सो डीआईआर नाइन जब भी आया राइट डी आई आर नाइन जब भी आया सो डीआईआर नाइन जब भी आया उसे पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए रख दिया जाएगा और डिस्कॉलिफिकेशन हटाने के लिए जो फॉर्म है दैट इज डीआईआर टेन हाउएवर प्राइवेट कंपनी में बाईस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर एनी डिस्कालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर मतलब वो एड ऑन कर सकते हैं ठीक है थीके? उस प्राइवेट कंपनी के लिए 164 वन एंड 2 ही रिस्ट्रिक्शन में नहीं है वो और चीजें भी ऐड कर सकती है और जो डिसक्शन क्लॉज डी एन जी में आता है अपील और पिटिशन हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट क्वालिफिकेशन और डिसीजन ध्यान से आना यहां पर आना डी ई एन जी यहां पे डी कौन सा था कि ऑफेंस किया है डी ये था कि कोर्ट ने किया है एंड जी कन्विक्शन अब ऐसा कोई भी कोर्ट सजा देती है ना तो अगर आप अग्रीव्ड हो या आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो गलत सजा मिल गई राइट तो वो क्या करते हैं वो अपील कर देते हैं फॉर एग्जांपल वो पर्सन अपील में चला भी गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्क्वालीफिकेशन स्टे करेगी राइट मतलब कि वो आके ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं तो अपील में चला गया इससे मैं तो डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं दे से नो आप बेशक अपील में चले जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी डिस्कालीफिकेशन स्टेट ही रहे आपकी आप डिस्कालीफाइड ही रहोगे राइट डी में जहां आपने ऑफेंस किया आपने अपील की हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता ई में आप डिस्कालीफाइड आपको कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने किया कोई फर्क नहीं पड़ता और जी में आपकी जो कन्विक्शन हुई है तब मतलब कि अगर अपील भी आपने की है पर्सन ने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा द डिसक्फिकेशन विल कंटिन्यू क्योंकि बहुत टाइम्स अपील इज जस्ट लाइक अ रेमेडी तो अपील को लोग ऐसे यूज करते हैं कि हमें यू नो डिसक्वालिफाई ना करना पड़े या चीजों को रोकने के लिए तो हर जगह पे अपील जो है उस चीज को रोकेगी नहीं तो यहां पे जो है डिस्कालिफिकेशन चलती ही रहेगी राइट right? फर्दर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बींग द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी अट्रैक्ट जनरल डिस्कालिफिकेशन

149 इंडिपेंडेंट हूँ मैं एलिजिबल हूं।, हूं तो क्या उसको भी 164 का डिस्कॉलिफिकेशन अट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए यस yes, नहीं होना चाहिए दिस इज फॉर ऑल द डायरेक्टर्स ऐसा नहीं है कि भाई इंडिपेंडेंट तो कोई बात नहीं Discord नहीं, नहीं। तभी मैंने आपको शुरू में जो वीडियो के बोला था ना डायरेक्टर कोई भी हो डायरेक्टर कोई भी हो कोई भी अपॉइंट कर रहा है लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले ये थ्री मस्ट रिक्वेस्ट इज अ एंड ऑफ एंडलीफेज राइट तो इसी के साथ भी एंड अप टूडे टॉपिक ऑफ सेक्शन 164 आई होप कि आपको समझ आया हो नेक्स्ट टॉपिक होगा चैनल पे 167 का विच इज वेकेशन क्योंकि इससे रिलेटेड है राइट right? और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज़ अगेन आई विल से आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दो या फिर टेलीग्राम पे पूछना दैट इज मोर भी डीएम करके पूछ सकते हो और कोई टॉपिक पर्टिकुलरली आपको देखना है इस चैनल पे प्लीज प्लीज रिकमेंड मी एंड डू लेट मी नो कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं अकेडमिक सेशन कैसे लग रहे हैं एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इज वेल Uh, you know like them as much as you can because the more you like the more videos are recommended right thank you so much for watching the video i'll see you in my next till then stay happy stay blessed and keep the preparations on bye